कोल्ड वाली ड्रिल वर्सेस कोल्डलेस ड्रिल। तो हे दोस्तों, आप लोग देखो वी फोर वीडियोस। आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक कोल्डलेस ड्रिल को एक कोल्ड वाली ड्रिल के साथ। लेकिन वीडियो का मेन पॉइंट है स्टार्टिंग रेंज की ड्रिल मशीन, ठीक है। तो हो सकता है किसी को ड्रिल मशीन लेना हो, क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना मेरी तरह कुछ खुला पेच करने का, उसमें छेद बनाना होता है, बहुत कुछ काम होते हैं। या फिर किसी को होता है कि घर पे ड्रिल मशीन का यूज़ होता है, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई कोल्डलेस लें या फिर कोल्ड वाली लें। तो सबसे पहले दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना है कि भाई इसमें स्पीड जो आपको स्टार्टिंग रेंज में मिलेगी, वो स्टार्टिंग रेंज में ही आपको हाई स्पीड मिल जाएगी, 2200 RPM की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें जो स्पीड आपको मिलेगी स्टार्टिंग रेंज में, वो 550 RPM मिलेंगी, यानी कि इसकी स्पीड इससे 4 गुना कम है। लेकिन इसमें आपको टॉर्क कंट्रोल मिल जाएगा, साथ ही ये काफ़ी हैंडी है, कहीं पे भी लेके चले जाओ, बस चार्ज है। लेकिन ये इतनी हैंडी नहीं है। तो भाई हम लोग खुद से कई प्रकार से यूज़ करके दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, और देखेंगे कि किस काम में कौन सी ड्रिल मशीन ज़्यादा बेहतर है। वैसे सिंपल शब्दों में ये इजी टू यूज़ है और ये पावरफुल है, सेम प्राइस में, स्टार्टिंग प्राइस में। इसका प्राइस 2400 रुपये से शुरू होता है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली है। इसका प्राइस 1500 रुपये से शुरू होता है, ये आपको ब्लैक प्लस डेकर और बोस कंपनी की भी मिल जाएंगी 1800 रुपये की रेंज में। तो चले दोनों का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सीधा छेद बना के। तो भाई सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे इस मैसवर्नी बिट के साथ, जो कि दीवारों में होल बनाने के काम आती है। और मैं आपको बता दूं कि 1500 से जो रेंज शुरू होती है ड्रिल मशीन की, उसमें हैमर मोड मिल जाता है, यानी कि दीवारों में आसानी से होल बन जाता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस भी होते हैं जो कि डीसी यानी कि कोल्ड वेस्ट ड्रिल में नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले कोल्ड वेस्ट ड्रिल में मैंने मैसोनी बिट लगाई है और ईंटे में होल करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे आप लोग देख लो, मैं बहुत ताकत भी लगा रहा हूँ और करीब 10-12 सेकंड बीत चुके हैं और अभी तक जरा सा भी होल नहीं हुआ है, मात्र आधा इंच बिट ही ईंटे के अंदर गई है। तो क्योंकि इसमें हैमर मोड का फीचर ना होने की वजह से 20 सेकंड भी बीत गए हैं, और इतने सेकंड में मात्र इतनी ही बिट गई है, वो भी बड़े ही मुश्किल से। तो ये आप लोग जान लीजिए कि इस कोल्डलेस ड्रिल से दीवार में तो होल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये इसके लिए बनी ही नहीं है। जबकि अभी आप लोग देखना, इस हैमर मोड की मशीन से कुछ ही सेकंड में इस पूरी की पूरी बिट ईंटे में घुस जाएगी, और इसमें वाइब्रेशन है, इस वजह से आप लोग देख लो पूरा मोबाइल हिला जा रहा है, और मात्र 8 सेकंड में पूरी बिट चली गई थी। और ये हैमर मोड का फीचर आपको बजट रैंक की कोल्डलेस ड्रिल में नहीं मिलेगा। अभी ट्राई करते हैं वुडन बिट के साथ। तो सबसे पहले वुडन बिट जाएगी कोल्डलेस मशीन से होल करने के लिए 1 इंच की डूल वाली प्लाई में। तो आप लोग देखना कितना समय लगता है। तो 1 इंच की प्लाई कोल्डलेस ड्रिल 10 mm की बिट के साथ लगभग 12 सेकंड का समय लिया। अभी सेम काम करेंगे इस मशीन से, जिसे कि 6 सेकंड से भी कम का समय लगा। अभी हम लोग चेक करने वाले हैं स्पेयर बिट के साथ। तो यहाँ पे मैंने 16 mm की स्पेयर बिट ली है। तो सबसे पहले 16 mm की स्पेयर बिट जाती है कोल्डलेस ड्रिल मशीन में, और भाई यहाँ पे काफ़ी समय लगा, लेकिन ठीक से होल नहीं हो रहा था, काफ़ी मेहनत भी लग रही थी क्योंकि इसका RPM कम था। और जब मैंने इसे ट्राई किया अपनी कोल्ड वाली ड्रिल मशीन के साथ, तो आप लोग देखना कितने स्मूथली, कितनी जल्दी स्पेयर बिट की मदद से हमारे प्लाई में होल हो गया मात्र 13 सेकंड में। वहाँ पे मिनटों लग रहे थे लेकिन होल नहीं हो रहा था। तो इस बारी भी होल बनाने के मामले में हमारी कोल्ड वाली यानी कि बिजली वाली ड्रिल मशीन ही काम आई। तो अब 3 mm की मेटल में होल बनाने वाली, तो मेटल के लिए यहाँ पे मेरे पास एल्युमिनियम का कैन साथ ही, यहाँ पे मेरे पास 5 mm की बिट है मेटल में होल बनाने वाली, और इसको हम लोग चेक करने वाले हैं इस लोहे के पाइप के, स्टील के पाइप के, जो कि ऊपर से काफ़ी चिकना है और मोटाई आप लोग देख लो। तो मेटल पे होल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक निशान बनाना पड़ता है मजबूत लोहे या फिर कील की मदद से, ताकि पॉइंट मिल जाए मेटल पे, बिट फिसले नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैन पर ट्राई करेंगे अपनी इस कोल्ड वाली बिजली वाली ड्रिल के साथ। तो उसको यहाँ पे होल बनाने में लगता है करीब, आप लोग देख लो, 5, 6, 7, 8, 9 सेकंड का समय लगा इस एल्युमिनियम के कैन पे बिजली वाली मशीन के साथ, और होल हो गया।
और की बार मेटल के पाइप पे भी देख लेते हैं कितना समय लगता है इससे बिजली वाली मशीन के साथ 5 mm की बिट के साथ। और भाई यहाँ पे मात्र 7 सेकंड में इस मेटल के पाइप में बिजली की मशीन ने होल कर दिया। अब इस एल्युमिनियम की कैन पे कोर्डलेस ड्रिल के साथ यहाँ पे समय है 11 सेकंड का समय लगा इसके साथ, जबकि 9 सेकंड का समय लगा था पहले। और इस पाइप पे इस कोर्डलेस ड्रिल के साथ होल करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे समय बीतता ही जा रहा है। लेकिन इस मशीन से इस मेटल के पाइप में जो कि देखा जाए काफ़ी पतला था लेकिन फिर भी होल नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख लो हल्का सा निशान लगा, यानी कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें होल करने पे। तो कुल मिला के स्टार्टिंग रेंज की कोर्डलेस ड्रिल मशीन आई थिंक मेटल के लिए ठीक नहीं है, हल्का फुल्का मेटल है तभी काम हो सकता है। तो मेटल के मामले में बजट रेंज वाली कोर्डलेस फेल हो जाती है। अभी हम लोग टाइट करने वाले हैं स्क्रू ड्रिल मशीन के जरिए। वैसे दोनों मशीन में फीचर है स्क्रू टाइट करने का, तो हम लोग इस बिजली वाली मशीन की स्पीड को लो कर लेते हैं क्योंकि हाई स्पीड नहीं चाहिए होती है स्क्रू टाइट करने में। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.5 इंची के स्क्रू का 1 इंची के लकड़ी पे। तो सबसे पहले बिजली वाली मशीन के साथ स्क्रू टाइट करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। हालांकि मशीन तो फास्ट थी लेकिन मशीन बड़ी थी स्क्रू टाइट करने के हिसाब से, तो बहुत दिक्कत हो रही थी स्क्रू टाइट करने में। और उसी की जगह कोर्डलेस ड्रिल से बहुत ही आसानी से स्क्रू टाइट हो रहे थे, एकदम मक्खन की तरह स्क्रू टाइट हो रहे थे और वायर का भी झंझट नहीं था। साथ ही इसमें एक और बेनिफिट है जो कि है ये देखना आप लोग, स्क्रू टाइट हो जाने के बाद मशीन आगे नहीं बढ़ रही थी इसके फीचर की वजह से। ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है कोर्डलेस का, लेकिन कोल्ड वाले में ये फीचर नहीं होता है, मशीन रुकती ही नहीं है। देखना आप लोग, ओ अंदर ही चला गया। तो ये नुकसान होता है वाई वाली ड्रिलिंग मशीन से स्क्रू टाइट करने में। भाई हाथ नाच जाएगा लेकिन ये रुकेगी नहीं क्योंकि इसमें कोई ऐसा फीचर ही नहीं है, और उल्टा आपकी स्क्रू की टिप ही खराब हो जाएगी और हो सकता है आपको चोट लग जाए और आपका नुकसान भी हो जाए। तो भाई सिंपल सा जवाब, अगर कहीं पे भी होल बनाना है तो कोल्ड वाली ड्रिल सबसे मस्त है, प्राइस को ध्यान में रखते हुए आराम से होल बन जाते हैं किसी भी प्रकार की बिट का यूज़ करके। लेकिन जब बात आती है इजी टू यूज़ की और प्रायोरिटी होती है कि हमें स्क्रू भी टाइट करना है, तब काम आती है कोल्डलेस ड्रिल। हालांकि ये होल बनाने में इतनी पावरफुल नहीं है लेकिन छोटे मोटे काम के साथ स्क्रू टाइट करना इससे काफ़ी आसान हो जाता है, तो उस मामले में ये ड्रिल काफ़ी काम की है। तो अभी आपको साफ साफ मालूम चल गया होगा कि आपके लिए कौन से ड्रिल आपके काम के हिसाब से बेस्ट है। तो भाई आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा देना। साथ ही कोई भी सवाल है तो भाई कमेंट कर देना। साथ ही इन दोनों ड्रिल्स का मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही।